हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन सूप। सर्दी का मौसम है दोस्तों, बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी घर पे बनाइए चिकन सूप। तो आज हम चिकन लेके आ गए हैं, और कैसा चिकन होना चाहिए चिकन सूप के लिए, क्या क्या उसमें डलेगा, सारा बताने वाली हूँ। तो दिल्ली के किचन में बना रही हूँ दोस्तों, और यहाँ पे ना सामान जो है ना मिल जाता है सब कुछ, और गाँव में थोड़ा सा दिक्कत होता है सामान मिलने में, आप लोगों को तो पता ही है। तो देखिए, हम चिकन लेके आ गए हैं। तो चिकन सूप बनाने के लिए आप चिकन विंग्स वगैरह लें ज़्यादा। ये देखिए विंग्स है, और ये गर्दन वाला पीस, और कुछ इस तरीके का पीस भी हम लिए हैं। ये देख रहे हैं, हड्डी वाला पीस ज़्यादा होना चाहिए, और गुदा वाला भी एक दो मैं ली हूँ। देखिए, तो इसको हम अच्छे से धो लिए हैं, धोने के बाद में ले लिए हैं। अब इसमें क्या क्या डालेंगे वो दिखाती हूँ। तो ये हमारा 500 ग्राम चिकन है। यहाँ पर देखिए, हम एक ऑनियन लिए हैं, और थोड़ा सा ये बंद गोभी ली हूँ, और दो तीन बीन्स ली हूँ, एक गाजर है, और ये है थोड़ा सा पत्ता पालक का, ठीक है, दो तीन मिर्ची। अब इन सबको हम काटेंगे, जब तक अपना जो चिकन है ना इसको भूनने के लिए चढ़ा देते हैं, क्योंकि समय लगेगा भूनने में। यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं, देखिए इसमें तेज पत्ता लेना बाकी है। तो ये दो से तीन छोटे आकार का हम तेज पत्ता ले लिए हैं, एक बड़ी इलायची, दो तीन छोटी इलायची, और 10-12 काली मिर्च। तो चूल्हे पे मैं चढ़ाती हूँ कढ़ाई, ठीक है, और लाइटर महाराज को चलाती हूँ। और अब इसमें जाएगा ऑयल। तो देखिए, 500 ग्राम है, तो 4 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। जो भी तेल आप खाते हैं, ऑलिव ऑयल खाते हैं तो ऑलिव ऑयल डालें, और मैं रिफाइंड डालने वाली हूँ। वैसे आप बटर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न भी ले ली हूँ, हमारे पास था तो ले लिए हैं। आप इनमें से कोई भी सब्जी घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले गाजर को छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लूँगी। इस तरीके से हम गाजर को ना 4 टुकड़ा करके छोटा छोटा पीस बना लेंगे। सब्जियों को हम धो के लिए हैं, तो सब्जियां आप अपने पसंद के अनुसार लें। यहाँ पे मैं बीन्स को भी काट लूँगी। सब सब्जियों को बारीक बारीक काटना है। इधर हमारा तेल भी देखिए गरम हो चुका है, जो कढ़ाई में डाले हैं ना। तो यहीं पे जो तेज पत्ता लिए थे वो डाल लूंगी, और ये इलायची बड़ी वाली, काली मिर्च। तड़का देखिए अच्छा से भुन गया है हमारा, और अब हम इसमें चिकन को अपना डालेंगे। तो चारों तरफ ना कढ़ाई में तेल को इस तरीके से फैला लेंगे कि चिकन ना ज़्यादा चिपकता नहीं है, और चिकन को ना हमें भूनना है।
बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है, बिल्कुल हेल्दी बनेगा। अब इसको छोड़ देते हैं धीमी आंच पे, 10 से 15 मिनट तक पकता रहेगा। बार बार मैं कौन भूली जा रही हूँ, ढक के पकने के लिए छोड़ते हैं। तो दोस्तों क्या मस्त बन रहा है चिकन सूप, देख रहे हैं कैसे खोल रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी स्पाइसी बनाना है, अगर आपको भी स्पाइसी बनाना है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर तो ना डालें, थोड़ा सा स्पाइसी के लिए तो अच्छा है ही। अब इसमें आप एक चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, एक चम्मच या डेढ़ चम्मच, और नहीं तो क्या करें टमेटो केचप 2 चम्मच डालें। इससे ना थोड़ा सा चिकन सूप में मिठास भी आ जाएगा और आपका चिकन सूप बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि जो रेडी वाला भैया बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ना सोच रहे हैं ना, तो इसी तरीके से बनाते हैं वो और आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो इसमें ना एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत है अगर आपको गाढ़ा करना है, तो नहीं तो आप इस तरीके से पतला भी सूप पी सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, गाढ़ा करूँ लक्की? कर दो। पता है ठेली वाला स्वाद लेना चाहते हैं। एक चम्मच बस, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एक चम्मच डालें और थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा से इस तरीके से घोल बना लें। और देखिए कैसे सूप हमारा पक रहा है, कितना बेहतरीन। अब इसी में इसको मिला देना है, इस तरीके से मिला लें कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आपको जैसे कि चिकन सूप में जो रेसे आते हैं ना, तो बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से गूदे वाला पीस को उठाइए और चॉपर बोर्ड पर इसको चॉप कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए। फिर जब आप सूप पीएगा ना तो आपके मुंह में आएगा छोटा छोटा टुकड़ा। सही, तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा से हम इसको चॉप कर लिए हैं। तो ये हड्डी जो है इसी में डाल देंगे और ये जो है इसी में डाल देंगे। मैं आपको कुछ बताने वाली थी, ये देखिए, ये जो चाहे ना तो आप पहले ही जैसे कि चॉप करके डालने से पहले ये सब्जियों को छान के आप फेंक सकते हैं, या इस तरीके से सब्जियों के साथ भी सूप पी सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आपको देखना है। तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सब्जियों के साथ ही हमको पीना है। तो ये लजीज चिकन सूप दोस्तों बनके तैयार है। आपका भी मन कर रहा है तो जल्दी से इस तरीके से घर पे बनाने का और पीने का। तो सर्दियों में सबको ना मज़ा आता है चिकन सूप पीने में। तो देखिए हम एक बाउल में हांडी में सर्विंग कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए। सर्विंग टाइम, ऊपर से आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। हमारे पास धनिया पत्ता ले आए हैं लाला जी? ओ लाला जी किधर गए? धनिया पत्ता ले आए, था नहीं अभी धनिया पत्ता। आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सजा दी हूँ। देख रहे हैं हमारा डिश, मैम के लिए ले चलते हैं। जो मैम है ना वो बैठी हुई है एडिटिंग टेबल पे, तो मैम को प्रेजेंट कर देते हैं। देखते हैं मैम 100 में से 100 देती हैं कि कितना देती हैं। पुदीना भी डाल दिए, वाह। तो सर्विंग टाइम दोस्तों, तो देख लीजिए मैं किस तरीके से अपने बच्चों को सर्व करेंगे और आप लोगों को भी सर्व करेंगे। ये आप ले चलिए, आप सर्व को टेस्ट करवाइएगा, मैं मैम को टेस्ट करवाऊंगी, ठीक है? लग रहा मास्टर शेफ को जा रहे हैं। कमिंग मैम,
कमिंग मैम, यस प्लीज। अरे खाना ऑर्डर किया, आ गया क्या? सर आ गया खाना। सर सर सो रहे हैं क्या? सर थैंक यू सर। ये सर क्या है? ये है चिकन सूप। चलो शाम को अच्छा मिल गया, शाम के लिए बढ़िया हो गया। गार्निशिंग भी बड़ी सही तरीके से की गई है, हमें दो धनिया भी मिले इसके साथ। आप उसको डाल के टेस्ट कर सकती हैं। ओके अभी ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। धनिया वैसे ही सस्ता है। बिल्कुल सब्जियां तो डाली है मम्मी, इसी बहाने बच्चों को सब्जियां खिलाना। हम मैम मैम बोल रहे थे, ये मम्मी मम्मी कह जाती है। तो मम्मी और मम्मी बोल रही। 100 में से कितना दोगे? 100। तो मेरा सिलेक्शन हो गया मास्टर शेफ में। वो तो अभी किसी को भी नहीं पता है।